तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फूडर्स डायरी के एक नए एपिसोड में एक बार फिर। और आप गेस करिए तो मैं इस बार हूँ कहाँ पे। तो गेस कराने के लिए मैं आपको ज़रा जगह दिखाता हूँ, आप मुझे बताओ। ये मेरे पीछे देखो, ये जगह, ये बताओ, बता सकते हो तो आप गेस करो। मीनवाइल मैं आपको लेके चलता हूँ एक फ्लैशबैक पे कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, आपको रास्ते का भी आइडिया हो जाएगा। तो आप चलिए और ये फ्लैशबैक देखिए। जुप भाई, आपसे ज़्यादा गेस वर्क नहीं कराऊँगा। बहुत सुना था मैंने एयरपोर्ट सेंट्रल मॉल या एरोसिटी सेंट्रल मॉल के लिए, तो उठाया कैमरा और हम पहुँच गए। एयरपोर्ट मेट्रो आपको पहुँचना है, किसी भी मेट्रो से आ सकते हैं, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा यार मेट्रो से ही आना, टाइम बचाना, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और एयरपोर्ट मेट्रो जो एरोसिटी मेट्रो है, एरोसिटी मेट्रो स्टेशन है, उससे 5 से 6 मिनट का वॉक इन है। और यार एम्बियंस आप देखिए बढ़िया है, ईजिली जाइए, खिड़की पकड़िए और आराम से बालकनी सीट पकड़ के आनंद लीजिए व्यू का, और व्यू भी देखिए। और उसके बाद उतरने के बाद वीकेंड के लिए तो है ही बहुत बढ़िया जगह। तो तेज़ चलते हैं। तो जी हम पहुंच गए एरोसिटी मेट्रो। भाई खाना पीना मना है, लिखा है आपके सामने, मेट्रो में गंदा ना करें, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छ भारत अभियान में शामिल रहें। तो चलते हैं तो आपको बताऊंगा। ये बेसिकली जो जगह है ये होटल के आसपास है, जो एरोसिटी में जहां होटल्स है ना वहीं पे ये एयरपोर्ट सेंट्रल मॉल या एरोसिटी सेंट्रल मॉल बनाया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बोल सकते हो, कुछ भी बोलो यार, हमें तो खाने पीने से मतलब है यार। तो राइट लेफ्ट यहाँ पे ऑफिस सूट्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आ चुकी हैं। और इसी के बीच में एरोसिटी के बीच में यहीं पे है सेंट्रल मॉल, और राइट में है ढाबा, ये भी बहुत सुना है यार मैंने इसके बारे में। जल्दी आऊँगा और एक वीडियो शेयर आउट करूँगा आपके लिए। खैर वापस चलते हैं, और क्राउडी नहीं रहेगा ये प्लेस आपको, ये वीकडे है पहली बात तो आपको ऐसा ही मिलेगा। और ये रहा सामने आपके सेंट्रल मॉल, तो जैसा कि मैं बता रहा था ये क्राउडी नहीं रहेगा प्लेस। आप वीकडे में जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है, और वीकेंड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे शोज़ भी मिल सकते हैं। रेडियो मिर्ची यहाँ पर अपने वीकेंड में शोज़ करता है, तो एक परफेक्ट आउटिंग शोज़ के लिए, खाने पीने के लिए। और अंदर चल रहे हैं अब हम, और अंदर जाके दिखाऊंगा मैं आपको शॉपिंग एरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया क्या क्या है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं यहाँ पे, क्या क्या मिलता है, और आप एंजॉय करिए। उसके बाद हम जाएंगे फूड कोर्ट, फूड कोर्ट में देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे लाइनअप्स है, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, फिर मेन्यू देखेंगे और बहुत कुछ है, देखते रहिए। काफ़ी हैं यहाँ पे सारे, देसी विदेशी सारे ब्रांड्स हैं। लेवाइस है आपका यहाँ पे, एड हार्डी है, सारे ब्रांड्स हैं जो आपको एक ही जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे। और यार आपको जगह देखकर तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ही, आपको आना है। और ये जो एरिया जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया है इसको, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ एम्यूज़मेंट पार्क एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए जो पेड़ बनाए हैं इन्होंने, ये मैनमेड पेड़ है। और अब आप बुक्स में भी लिखा जाएगा कि क्वेश्चन आया करेगा कि कैसे पेड़ बनाए आदमियों ने, कैसे पेड़ बनाया, तो उगाने के अलावा आप देखेंगे कि लोगों ने यहाँ पे ये जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है, ये पेड़ बनाए हैं बेसिकली, और इसमें पत्तियाँ भी उगाई हैं। तो यार ये नए तरीके का है, ये पता लगाओ यार कैसे बनाए। और ये है यहाँ पे एरिया जहाँ पे ये शोज और कॉन्सर्ट होता है, और बढ़िया जगह है यार, एम्बियंस बहुत बढ़िया है, मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा यहाँ आने के लिए। और ये रहा सामने हमारा कैफेटेरिया एरिया। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्टीम, यार ये बहुत मज़ेदार है, गर्मी में जब ये मुंह पे आती है ना यार मज़ा आ जाता है, गर्मी में ठंडक का ऐसा टर्मी कूल इन्होंने बना दिया है इस जगह को। और वीकेंड इवनिंग अब आप इमेजिन करिए कितनी बढ़िया होती है, तो मस्ट विजिट प्लेस है, आप आएँ ज़रूर एक बार दोस्तों। चलते हैं कैफेटेरिया में। तो दोस्तों ये है यहाँ का कैफेटेरिया, अब आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको सागर रत्न, और वो रहा पिलर के पीछे ज्ञानीज। तो पूरा सा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या है बेसिकली। तो
रेस्टोरेंट में यहाँ पे सबवे है, सबवे का जो लिस्ट है, जो रेट प्राइस है वो कि भी नॉर्मल है, मतलब जैसा आपको और आउटलेट्स में मिलेगा उसी तरीके से यहाँ पर भी चार्जेस हैं। मैं यहाँ देखूँ तो बिल्कुल लगभग सेम प्राइस है, इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत मॉल का थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, पर फिर भी अगर मैं देखूँ तो प्राइस लगभग सेम है। अगर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा बीकानेर है, सेकेंड आउटलेट जो यहाँ पे है वो है बीकानेर। तो जैसा कि आपने फोटोग्राफ में तो देख लिया कि कहाँ क्या रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ मैं आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर संडे मिल्क शेक, बेवरेजेस, कुल्फी, तो कुल मिला के अगर आप आउटिंग देख रहे हैं, सैटरडे या वीकेंड को देख रहे हैं, तो आप इस प्लेस को एक बार हिट ज़रूर कर सकते हैं। वन टाइम विजिट प्लेस तो ये ज़रूर है। और साथ में ये केक, पेस्ट्री, ये बिल्कुल जो नॉर्मल बीकानेर का होता है। एंड स्ट्रीट फूड बाय पंजाब ग्रिल, तो ये एक छोटा सा आउटलेट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा आपको, जो पंजाब फूड और जो पंजाबी फूड क्यूजीन के जो लवर्स हैं, जिनको पसंद है पंजाबी खाना, तो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इसका प्राइस। तो हैप्पी सिंह जी चाट यहाँ पे दिल्ली वाली भल्ला पापड़ी, ओ सॉरी दिल्ली वाली भल्ला पापड़ी, हैप्पी सिंह जी थाली, स्ट्रीट फूड सिग्नेचर्स करी, तो यार काफ़ी कुछ है अगर देखा जाए तो। दोस्तों आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो एक बार, और काफ़ी ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट मेन्यू सैंड बर्गर शेक्स। सो ये वर्ल्ड मार्क वन एरोसिटी में ही आपको मैंने तो पहली बार देखा। आप अगर मैं बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक ज़रूर यहाँ से एक क्यूजीन मंगाऊँ और आप लोगों के लिए एक रिव्यू बनाऊँ। अब देखते हैं यार मेरी पसंद का कुछ है या आपकी पसंद का कुछ है। पटेटो फ्राइज 90 रुपीज़, थोड़ा सा अगर मैं देखूँगा 90 रुपीज़ अगर आप कहेंगे तो मैकडोनल्ड्स वगैरह का भी टैक्सेस लगा के लगभग इतना ही जाता होगा। और यहाँ मेन्यू की बात करेंगे तो अच्छा, ये वेज और नॉन वेज दोनों रखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें क्लोजली, गार्डन ड्रीम चिकन और चिकलो ओरिजिनल स्पाइसी, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ इसके नीचे जाने की तो ये आ गया यहाँ पे नॉन वेज। इन केस मेन्यू आपको यहाँ पे बड़ी इजीली अवेलेबल है, पैम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। हाँ मैं रोलर्स में तो ज़रूर कुछ ट्राई कर सकता हूँ और आप लोगों को दिखा सकता हूँ। गार्डन रोलर है, चिकपीज रोलर है, चिकपीज रोलर कैसा होता होगा यार, आप कमेंट में मुझे बताएं आपको क्या पसंद है यहाँ पे ऐसा, या फिर आपको खाने में ऐसा क्या पसंद है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई ऐसी जगह विज़िट करूँ तो स्पेशली मैं उसी का रिव्यू आपको दे पाऊँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास एशिया 7, बड़ा टेम्पटिंग सा बनाया हुआ इन्होंने पैम्फलेट, और वही स्टैंडर्ड स्प्रिंग रोल्स हैं, मील इन अ बाउल है, राइस बाउल है, अमेरिकन चॉपसे, मील इन अ बाउल, भाई जो टंगड़ी खाने वाले लोग हैं, चिकन खाने वाले लोग हैं, उनके मुंह में तो देख के पानी आ गया होगा इन्हें नहीं कहते राइट। और कॉम्बो की बात करें काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तो वैरायटी है, विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी पसंद है ज़रूर कर सकते हैं। और आपको मैंने जो सारा यहाँ पे एम्बियंस है वो तो मैंने दिखा दिया, तो एक बार विज़िट ज़रूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ भी आएँ और मज़े लें जगह का। ट्राई किया वाव मोमोज का, अगर मैं बताऊंगा वही मो बर्गर जो क्लासिक मो बर्गर है उसी तरीके से इन्होंने सीजनिंग दी हुई है इसके अंदर मेयोनीज के साथ और ये मोमोज के साथ। तो दोस्तों घूम लिए हम एरोसिटी सेंट्रल मॉल, आपने इस मॉल देख लिया, मॉल के अंदर जगह देख ली, घूमने की जगह देख ली, फुहारा देख लिया, और वो ऊपर से जो स्टीम आ रही थी वो भी देख ली। यार फेवरेट है वो मेरी, मतलब कहीं भी जाता हूँ ना वो अगर दिख जाती तो मेरा मन है मज़ा आ जाता है। तो अब चलो खाने की बात करते हैं, क्योंकि ये फूड डायरी है तो खाने की बात करते हैं। तो आपको बता देता हूँ,
जैसा कि आपने देखा कि मैंने मवाव मोमोज से दो बर्गर लिए थे, मुझे सिर्फ वही समझ में आए बेसिकली खाने के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल कि मेरे को दिखा नहीं। तो अगर इस मॉल की बात करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल आप बात करेंगे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से वही हैं, जैसे पिज़्ज़ा हट है यहाँ पे, वाव मोमोज है, एशियन सेवन है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे पंजाब स्ट्रीट फूड जो स्ट्रीट ग्रिल्स की जो एक कियोस्क है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। तो खाने पीने का जैसे आप फूड कोर्ट ऑल मॉल में देखते हैं, ये खाने पीने का जो है यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो आपको वन एंड द सेम लगभग सेम है। तो प्राइस की बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप किसी और मॉल में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे तो आपको लगभग सेम तरीके के ही प्राइस मिलेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होगा प्राइस, पर अगर टेस्ट की बात करूँगा, क्वांटिटी आपने देख ली, बर्गर देख लिया और देखा वो कितना अच्छा उन्होंने मुझे सजा के दिया, और मेयोनीज देख रहे थे आप उसमें, और जो क्वांटिटी है वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं एक बात दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मॉल ये जगह थोड़ा सा आपके बजट में से ऊपर है। अगर आप एक बजट फ्रेंडली जगह देखते हैं तो ये आपके बजट से थोड़ा सा आप मानेंगे कि थोड़ा सा ऊपर है। आपने देखा होगा कि जो रेस्टोरेंट्स हैं अपने मेन्यू में रुपीज़ के दो सिंबल्स लगाते हैं, तो मैं उसमें इस सिंबल को एक और ऐड करना चाहूँगा। तो स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँगा, ये थोड़ा सा ये महंगी जगह है कंपैरेटिवली अदर स्ट्रीट फूड्स जो जगह हैं। तो क्यों मैंने वीडियो बनाना सोचा, क्योंकि ये काफ़ी ओवर हाइप था इस जगह पे, मेरे को लग रहा था एक बार जाके आप लोगों को दिखाना चाहिए, जो लोग मेरे दोस्त हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो नहीं भी हैं उनको भी मैं बनाकर इस जगह का एक रिव्यू देना चाहता था कि ये जगह पे क्या क्या है और कैसा कैसा एम्बियंस है। तो दोस्तों होप आपको मज़ा आया हो इस वीडियो के अंदर, और आप इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, उनको भी बताइए कि ये एक सेंट्रल मॉल है जो कि थोड़ा सा अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है, लोग यहाँ पर आए नहीं हैं। हाँ, एक बात स्पेशली बताऊंगा, ये ओवरक्राउड बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफिस मीटिंग्स के लिए आते हैं या फिर नॉर्मल गेट टुगेदर के लिए आते हैं तो काफ़ी कूल काम प्लेस है, आप आ सकते हो। ड्यूरिंग डे तो वीकडेज़ में तो ये बिल्कुल ईजीली रहता है। तो ये वर्ल्ड मार्क वन वर्ल्ड मार्क टू यहीं पर जो ऑफिसेज हैं ऑफिस सूट्स हैं उसी के बीच में ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ मॉल है, सेंट्रल मॉल है जहाँ पर आपको नॉर्मली यहाँ पे ऑफिस के लोग ही दिख जाएंगे आसपास। तो क्राउडी नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है, म्यूज़िक चल रहा है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। तो एनी केस फूड इज़ डायरी पे ये मेरे को लाने के लिए आपको मेरा मन करा कि मैं ज़रूर आपको तक ये पूरा का पूरा वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं, अगली बार स्ट्रीट फूड होगा, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है स्ट्रीट फूड नहीं होगा, स्ट्रीट फूड भी होगा, ऐसे ही तरीके के और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करूंगा और आप तक लेकर आऊंगा, घर बैठे आप देख पाओगे। तो इन केस अगर किसी भी तरीके से आपको कुछ भी जानना हो या फिर कोई भी कुछ भी इस मॉल के बारे में या फिर किसी और जगह के बारे में, यहाँ पर क्या मेन्यू है, मेन्यू वैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है आप पहले भी मैं दे चुका हूँ और अब भी है, इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और हाँ, फूडर्स डायरी को यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और घंटी को बजा देना, घंटी नहीं बजाओगे तो नोटिफिकेशन की घंटी आप तक नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फूडर्स डायरी, स्टे हैप्पी स्टे फूडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों हो गया यार ये सेशन, इस बार आप जाओ इसको जाके शेयर करो अपने दोस्तों फैमिली के साथ और उन्हें बताओ इस जगह के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ। तो स्टे फूडी स्टे हंग्री, खाते रहिए घूमते रहिए, यही है जिंदगी। थैंक यू, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए एपिसोड में। आप थोड़ा सा पास आ जाएं, क्योंकि काफ़ी शोर है, अगर मैं बताना चाहूँगा तो आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। तो दोस्तों ये दोबारा बनाओ यार, नहीं यार। तो मेरी तरफ से फूडर्स डायरी में इस एपिसोड में अभी के लिए इतना दोस्तों। तो